नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टॉक विद राम में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बोला था कि मंडे तक डेफिनेट कोई ना कोई आरएमई के लिए इन्फॉर्मेशन आएगी आएगी, तो कल की आप सभी को पता कि नोटिफिकेशन आई हुई है। कल रात को मुझे पता चला, तो मैंने अभी मैं सुबह वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे बोला था मैंने, सेम 14 तारीख से स्टार्ट है, तो आपके आरएमई 14 से ही स्टार्ट है। दोस्तों, एक दो बंदे ने मुझे अपनी आरएमए के लिए जो है उसका एडमिट कार्ड सेंड किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता भी हूँ क्योंकि आरएमए कब से स्टार्ट है उसका। तो भाइयों, अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आगे बताता हूँ कि इस बंदे का रीमेडिकल कब से है। इस बंदे का जो है 7/10/2020 से, यानी अक्टूबर में है इसका बंदे का मेडिकल नेक्स्ट मंथ। लेकिन कई बच्चों का इससे पहले भी है। ये सी जी आप देखो कि इस बंदे का है 22, इसका 22/10 तारीख से, यानी इसका भी अक्टूबर में ही है। जो दो बंदों ने भेजा उनका अक्टूबर में ही है। अच्छा, तीसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी बच्चों को आ रही है कि सर हमें डाउनलोड नहीं हो पा रहे। तो भाई, आप CRPF की ऑफिशियल साइट पर जाएँ, crpf.gov.in पे। जैसे वहाँ पे जाओगी, नीचे रिक्रूटमेंट के लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होगी। रिक्रूटमेंट जैसे आप ओपन करोगे, थोड़ा टाइम लग रहा है साइट, क्योंकि काफ़ी बच्चे अपलोड कर रहे होंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन साइट खुलेगी ज़रूर। जैसे खुलती है, ऊपर लिखा हो ना, ये एडमिट कार्ड फॉर द DME, अपने वहीं पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो कैंडिडेट लॉगिन पे आप आ जाओगे, और जैसे कैंडिडेट लॉगिन पे इंटर करोगे तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम की जगह पे आपने अपना रोल नंबर इंटर करना है, और पासवर्ड की जगह पे आपने डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। नीचे कैप्शन उनके इंटर करने हैं, देन इनको इंटर कर देना है, तो आपका है आगे ऑप्शन आ जाएगा ई एडमिट कार्ड फॉर द आरएमई। साथ में उसके इंस्ट्रक्शन आएगी, डैशबोर्ड लिखा होगा, तो आपने उसी हिसाब से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। जिन जिन बच्चों को आरएमई मिला है उनका ही एडमिट कार्ड आपको पता डाउनलोड होगा। आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो आरएमई के लिए कैंडिडेट जो जा रहे हैं उन सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ खास जो मैंने पढ़ी। जैसे आपने एडिशनल वालों की पढ़ी थी, सेम टू सेम इंस्ट्रक्शन है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपके पास आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, ये कंपलसरी है जो जो बच्चा जाएगा आरएमई देने के लिए। सेकंड पे आ जाते हैं, तो सेकंड आपके पास मास्क, थर्ड सैनिटाइज़र आपके पास अपना होना चाहिए, मास्क आपका अपना होना चाहिए जैसे पता सभी को। ये तीन चार चीज़ें हैं आपके पास होनी चाहिए। हाँ, फोर्थ, आप अपने डॉक्यूमेंट कैरी कर लेना, हो सकता है कि जस्ट फॉर चेकिंग के लिए कर ले चेक। लेकिन फिर भी मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने एडमिट कार्ड प्लस अपने डॉक्यूमेंट जितने हैं वो साथ में ले लेना, कैरी कर लेना। कोई टेंशन नहीं, आप ले जाना, क्या पता चेक करें या ना करें, लेकिन अगर होंगे आपके पास तो आपको किसी बात की कोई टेंशन नहीं होगी। फोर्थ जो होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जिस दिन जिन जिन बच्चों को री मेडिकल मिला है, कोशिश करना कि सुबह जल्दी चले जाना। एक तो आपको पता है अभी ट्रांसपोर्ट की थोड़ी फैसिलिटीज़ कम है, कई स्टेटों में है लेकिन कई स्टेटों में भाई कम है, तो आप सभी को जल्दी चले जाना। और आप सभी को आरएमई की विशेष, सभी को अच्छी तरह अपना आरएमई कंप्लीट करना, और मैक्सिमम बच्चे अगर पास हो जाएंगे भाई जो जो उनको फिर ज्वाइन भी तो मिलेगी, इसलिए आराम से देना आरएमई, टेंशन मत लेना कोई भी, सभी पास हो जाएगी। सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, टॉक विद राम की तरफ से। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।